भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध पर खड़े हैं। अर्जुन का मन विकल हो रहा है, वे अपने प्रियजनों का संहार नहीं करना चाहते। अर्जुन, हे मधुसूदन, ये सभी मुझे नष्ट करना चाहते हो, फिर भी मैं इन्हें नष्ट नहीं करना चाहता, भले ही मुझे तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हो। अर्जुन कह रहा है कि वो अपनी इंद्रियों, वासनाओं और इच्छाओं को कैसे नष्ट कर सकता है, कैसे वो उनके प्रति अपना मुंह मोड़ सकता है। अगर मुझे आध्यात्मिक जीवन इनको नष्ट करके मिलेगा तो मुझे इनको नष्ट नहीं करना। अपनी आत्मिक खुशी में गहनता से जाने के प्रयासों में विफल होकर भक्त अपने मानसिक भविष्य का विश्वास खो देता है। वह पहले ही तय कर चुका है कि आंतरिक ज्ञान द्वारा चित्रित सनातन सुख की सभी स्वर्णीय आशाएं अगर वास्तव को मारा जाए तो खाली और निष्फल होंगी। अब उसकी अवचेतना आदतों का प्रेम उसकी विवेकशीलता को और भी गहन संदेह में ले जाता है। इस श्लोक में अर्जुन देख सकता है कि उसको अपनी आत्मा की खोज में अपने क्षणिक सुखों से ऊपर उठना होगा और आत्मा के स्थायी सुख में स्थापित होना है। वह धीरे से मुस्कुराता है और वह जानता है कि अब वह अपने आत्मिक यात्रा में एक नई शुरुआत कर रहा है। अर्जुन के वचनों में हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तविक साधना वही है जो हमें अंतरात्मा की ओर मार्गदर्शन करे। आइए भगवद गीता के इस श्लोक के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक नई शुरुआत करें।